सुखदेव सिंह ढींसा ने सुखबीर बादल ते मजिठिया नु लिया आड़े हथी, क्या वो पार्टी शराब मामले ते बोल रही है जिसने खुद ए जहर फैलाया। प्रताप सिंह बाजवा तो स्टेट पुलिस सुरक्षा वापस लैन ते अकाली लीडर हीरा सिंह गाबड़िया दा वड्डा बयान, कांग्रेस ने कीता पंजाबियां नाल 3.5 साल धोखा। डेराबसी तो नजायज शराब ली वरते जांदे केमिकल दी वड्डी खेप बरामद, 27,600 लीटर केमिकल काबू कर गोदाम किते सील। सस्तकाल दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है, मैं है भावना। बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां इस वड्डी खबर दे नाल। श्रोमणी अकाली दल तो वाख होए सीनियर नेता सुखदेव सिंह ढींसा ने बयान दिंदे होए कहा कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी धरने लगाउण तो पहला अपना पछोकड़ देख लवे कि उन्होंने पिछले 10 सालां विच की कीता सी। ढींसा ने वड्डे इल्जाम लगाउंदे होए कहा कि जिन्हां ने खुद ये सब शुरू किया है वह किस मूंह नाल अज धरने लगा रहे ने। नाल ही उन्होंने सुखबीर बादल ते शब्दी वार करदे होए कहा कि सुखबीर बादल चोरी हुई गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लिए धरने दे रहा है जिसे अपने राज विच सब तो वध बेअदबियां हुई। सानू ये तो कोई इतराज नहीं की करते हैं, पर अपने थोड़ा जहाँ पिछे पिछोकड़ तो देख लैन कि 10 साल च उन्होंने की किया। असं ये नहीं होते कोई इतराज नहीं है, सानू मार धरने कोई चंगी गल है, असं भी उस गल के खिलाफ हाँ कि कैप्टन जरा कह रहा 40 दिन च नशे खत्म कर दूँ, वो राज अज जो कुछ हो रहा वो सारी दुनिया के सामने है। धरने मारन का कोई हर्ज नहीं, असं अपोज नहीं करते, पर मैं कहना किहड़े मूर नाल मार रहे हैं जिन्हें इल्जाम ही लगे कि उन्होंने शुरू किया नशियां का काम, तो वह कि उस नाल मार रहे हैं। हुण दसो कल उन्होंने कल्याण च उन्हें पिंड तो गए नहीं, कल्याण गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ नू लै गए, कोई बहुत दुख की गल है, एदू वड्डी गल हो नहीं सकती, उहदी इनक्वायरी होनी चाहिए है, उहदे निकलनी चाहिए कौन लै गया। लेकिन सुखबीर दा जाके धरना मारदा कि जिहदे राज प्रबंध से SGPC दे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होई नहीं और किन्ने सालों तो चल रहा कि अजे तक वह पता ही नहीं लग्या भी कौन कर गया। 267 बीड़ां दे नहीं पता कि गुरु ग्रंथ दे स्वरूप कित्थे ने, तो वो लोग धरने मारन लोगों को बड़ा हास्यहीणी गल लगती है। ठीक है करो, चंगी गल है, असं यदा नहीं कहते भी माड़ी गल है, करो कर दो। दूजे पास जो गल करिए इस मुद्दे को ही लैके कांग्रेस के आप अंदर शमशेर सिंह दुल्लो और प्रताप सिंह बाजवा मैंबर पार्लीमेंट राज्यसभा दोनों वालों वड्डिया ऑब्जैक्शन जताईया जा रही, तुसी भी मैंबर पार्लीमेंट हो, कांग्रेस उन्हों कहती है कि चले हुए कारतूस ने या इन्हों जी है नुमाइंदगी पार्टी वालों दी गई है ना कि इन्ह के अपने कैलीबर देखते हुए दी गई है, पर किस तरह देखते हो कि जो सरकार लगातार कांग्रेस के अंदर ही घेरिया जा रहा। देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सानू की इतराज है अकाली दल से, यही इतराज है ना कि कोई डेमोक्रेसी नहीं रही। इस तरह जे डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई गल आपकी कहना है तो उन्होंने इतराज क्यों है पार्टी नू? वो तो पार्टी बैठ के जवाब देन बजाय इस दे उन्होंने इतराज कर दे। ठीक है उन्होंने प्राइवेट आपकी पार्टी का मसला जो मर्जी कर, पर सच्ची गल कह तो किसी रोक नहीं है कि वह किसी पार्टी नाल बनया हो। लगता कि जो जो जिस तरह की ऑब्जैक्शन उन्होंने वालों जताइया जा रही या जिस तरह के उन्होंने वालों बयान दिए जा रहे उन्होंने डेमोक्रेटिक दे हक है कि मतलब कि वह अपने बयान रख सकते हैं? हरेक नू हक है जी, अपनी गल तो कहने का हक है, पहला पार्टी कहने का हक है, जो पार्टी ना सुने कोई फिर बाहर करने का हक है। बयाना तो बाद हुण लगातार बयान जिहड़ा मामला भखिया होया तो कल प्रताप सिंह बाजवा की पंजाब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। देखो ये सिक्योरिटियां वापस लेनिया तो चंग मुनासिब नहीं है कि जे कोई मुखालफ करता तो सिक्योरिटी वापस ले लो, ये मैं नहीं समझता कोई चंगी गल है। वो तो इंसान परसनल सिक्योरिटी होंगी कि उन्होंने खतरा ना हो लीडर दे, तो सिक्योरिटी लेनी कोई होता है मुनासिब तो है नहीं। पंजाब सरकार वालों राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा तो स्टेट पुलिस सुरक्षा वापस ले जाने अकाली लीडर हीरा सिंह गाबड़िया ने वड्डा बयान दिता है।
उन्होंने कहा कि यह इकले बाजवा जा दूलो की बगावत नहीं सगो पंजाब विच बड़ा वड्डा भांबड़ मचण वाला है। इस नाल ही हीरा सिंह गाबड़िया ने कहा कि 3.5 साल च पंजाबियों नाल धोखा होया है। कैप्टन साहब ने गुटका साहब की सौ खा के जो झूठे वादे किए सी जो हालात हुण बना दिते ने पंजाब सरकार ने उस नाल पंजाब की जवानी भी खत्म ते किसानी भी खत्म हो रही है। जो पंजाब दे नाल धोखा होया पंजाबियों नाल धोखा होया गुरु ग्रंथ साहब गुटका साहब की सौ खा के जो झूठे वादे किए पंजवें तख्त दमदमा साहब वाल हथ करके सौ खा के और जो हालात बनाते पंजाब दे जवानी भी खतरे चा और किसानी भी खतरे चा अज गरीब जनता रो रही आ हर वर्ग ही अज दुखी आ चाहे वह किसान ने चाहे इंडस्ट्री ने चाहे व्यापारी ने चाहे नौजवान ने खास करके दलित वीर जन्ने ने चाहे वह एस सी बी सी ने अज जो उन्होंने बीत रही आ वो जानता जा परमात्मा जानते हैं। इन्होंने पिछले 3.5 साल के राजा अमरिंदर सिंह का किसी मिलया नहीं गा पर अपने MLA उन्होंने खुली छोटी देती किसी जाली शराब दियां फैक्ट्रियां लवातियां किसी रेत दे ठेके देते किसी हर किस्म के वो MLA खुश करने वास्ते वो चैक नहीं किया भी शराब जी बनाई जा रही है ये किन्ने मनुख मरणगे तो ते सामने अज तकरीबन 110 के करीब 115 के करीब जोड़े गरीब लोग मर गए ने और 50 के करीब जोड़े अन्ने हो गए वो वरलाप तुम सुनते जो रोज़ गरीबों का देखा नहीं जा सकता पर अजे शर्म नहीं आई। असी गवर्नर साहब न वैसे मेमोरेंडम दे के आए थे कि वह अंत हो गया हूँ इस तो बाद पंजाब की बर्बादी अं वेख नहीं सकता। श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल ने 3.5 साल ये वेख्या भी जो पंजाबियों ने इन्होंने धक्का किया लुट सुट की 3.5 साल के जो बीतिया ने वो मुख रख के अं गवर्नर साहब न मिले मेमोरेंडम लेके सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल की अगवाई थले और उन्होंने कहा ही भी इनू जल्दी तो जल्दी पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब सरकार नूं फौरी तौर पर भंग किया जाए ता कि पंजाबियों बचाया जा सके पंजाबी की जवानी नूं बचाया सके पंजाब के गरीबों बचाया सके। अज कोई भुख ना मर रहे ने नीले कार्ड कटते 70% नीले कार्ड कटते जो बादल साहब ने बनाए गरीबों वास्ते पेंशन नहीं मिली सगन स्कीम नहीं मिलती बुरा हाल हो गया गरीब रो रहा आ लॉकडाउन के बिल्कुल गरीब हा लैन मजबूर हो गया सीगा पर गवर्नर साहब ने कोई उस डिसीजन नहीं लिया। लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट का कैप्टन सरकार से कोई प्रभाव पाऊगा पार्टी डिमांड के अनुरूप CBI तो जांच कराई जाएगी इस मामले की क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आप जांच करवा रहे हैं किसी दोषी को बख्शा नहीं जाऊगा। पंजाब की मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल आ श्रोमणी अकाली दल जब तक इन लाह नहीं लेंगे उन्होंने चैन नाल नहीं बैठेगा। श्रोमणी अकाली दल ने फैसला कर लिया सरदार प्रकाश सिंह बादल जो जिन्होंने अपने 18 साल जेलों में बिताए और उन्होंने बेटे प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल ने डिसीजन लिया आ कि जब तक चलता नहीं कर देंगे क्योंकि अं पंजाब के मदई हाँ पंजाब नूं संभालने वाले हाँ ये तो लुटन वास्ते आए ने झूठियां सवां खा के तुसीं कल्ले मुद्दा चक रहे कांग्रेस के अपने 2 MP आ जिहड़े राज्यसभा MP आ 2 साबका प्रधान वो भी मुद्दा चकते रहे प्रताप सिंह बाजवा दुल्लो हालांकि कल अगर उन्होंने फिर तो एक बार अपनी आवाज़ पंजाब सरकार कैप्टन सरकार खिलाफ बुलंद की तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लै ली ये जे इतों धमकियां सिक्योरिटी वापस लैन के नाल ही इन्हों आवाज़ को दबाया जा सकता तो बिल्कुल नहीं दबने पंजाबी ने उन्होंने मैं समझा कि दिल के अणखा गैरत आ जिहड़े पंजाबियों की लुट कसुट वेख नहीं सकते पंजाब के सामने बच्चे रोंदे नहीं वेख सकते पंजाब के साम लोगों के सामने जिहड़ियां मावां ने जिन्हां दे पुत्तर मर गए वो भैणां मेरियां जिन्हां दे सिरां दे साईं चले गए जिन्हां दे भैणां दे भरा चले गए उन्हां नूं वरलाक वेंदिया नहीं वेख सके इस करके उन्हां दी जमीर ने आवाज़ दित्ती आ कि उठो और ये कल्ले दूलों ते बाजवा नहीं ये बड़ा वड्डा भांबड़ मचण वाला पंजाब दे विच बहुत वड्डी बगावत होने वाली आ कांग्रेस के बहुत वड्डा अगले पासे हालात इहो जिहे आ रहे हैं
श्रोमणी अकाली दल चैन नाल नहीं बैठूगा। श्रोमणी अकाली दल आपकी लड़ाई जारी रखूगा पंजाब के हकों लिए, पंजाब के लोगों लिए, पंजाबियों लिए। जहरीली शराब मामले तो बाद नजायज शराब उपर पुलिस वालों लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इस चलते ही डेरा बसी तो नजायज शराब लई वरते जाते कैमिकल की वड्डी खेप बरामद की गई है। दसिए कि छापेमारी आबाकारी विभाग अते पुलिस वालों मिलकर की गई है, जिथों 27,600 लीटर कैमिकल बरामद किया गया है। दसिए कि नजायज कैमिकल एक गोदाम विचों बरामद किया गया है ते दो गोदामों नूं सील भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस किश्त तहत 8.5 करोड़ तो वध किसानों नूं 17,100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। दसिए कि हर साल 2,000 रुपए दियां 3 किश्तां विच किसानों नूं कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए के खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचा फंड तहत वित्त सहूलत लई योजना नूं मंजूरी दे दी है। इस सब की जानकारी प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस राही की गई है। समराला च गली दे बाहर खड़ी एक गड्डी नूं अग लग गई। यह अग इन्नी भयानक सी कि गड्डी विच चिंगारियां निकल रही सन ते अग ते काबू पाना भी मुश्किल हो गया। उत्थे ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच के अग ते काबू पाया। इस मौके कार मालक जसदीप सिंह का कहना है कि तकरीबन सवेरे 4 बजे गड्डी नूं अग लग गई जो 3 दिन तो गली दे बाहर खड़ी सी। समराला विच 3 नौजवानों वालों हथियारों की नोक से लुट की गई जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी विच कैद हो गई। नकाबपोश 3 लुटेरिया वालों स्कूटी सवार व्यक्ति नूं पहला घेरिया गया अते फिर उस उपर हथियारों नाल हमला किया गया। इस दौरान वह स्कूटी अते 2,70,000 की नकदी लैके फरार हो गए। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।